दोस्तों नमस्कार, मैं हूं निशादो। जैसा कि आप लोगों के मन में आज एक बात चल रही होगी, कम्युनिस्ट का 12460 में हो रहा है, तो अब 30-35 का क्या होगा। मेरे पास कई लोगों के मैसेज आ गए, फेसबुक पे पोस्टें घूमने लगी और कॉल्स भी आए, भैया आप छोड़ देंगे तो हम लोगों का क्या होगा। देखिए, 12460 में निश्चित रूप से हम केस जीते हैं और वो एक बहुत बड़ा संघर्ष था और मेरा खुद का अकेला संघर्ष नहीं था, कई लोग इसमें भी सहयोगी रहे, जैसे कि आज आप लोग सहयोगी हैं। उसको जीता गया, एक मंजिल मिली, एक उम्मीद थी। लोग कहते थे कि 51 जनपद कभी जीतेगा ही नहीं, आज तक लोग कहे कि 0 जनपद के पक्ष में फैसला आ रहा है। एक बंदा मुझसे नहीं मिलता था कहने वाला कि 51 जनपद के लिए फैसला आ रहा है, लेकिन हम जीते। जो हालत 30-33 की हो रही है, जैसे लोग कहते हैं 30-33 कभी नहीं लगेगा, मैं शुरू से लेकर आज तक यही कह रहा हूं कि 30-33 अटल सत्य है, होकर रहेगा। ये जान लीजिए, अगर 30-33 है तभी ये भर्ती है, नहीं है तो ये भर्ती नहीं है, ये फैक्ट जान लीजिए आप लोग। चाहे मुझे उसके लिए हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, जहां जाना पड़ेगा मैं जाऊंगा, करवा कर लाऊंगा, ये कन्फर्म जान लीजिए। हम लोग इतने प्रतिबद्ध है। 12460 में मेरा माना कि सिलेक्शन हो गया। मेरा जनपद है सीतापुर, मैं आपको बता दूं, प्रशिक्षण मेरा सीतापुर से है, लखनऊ से सीतापुर सटा हुआ है और इस समय सिचुएशन के हिसाब से मैं बता दूं, अगर मुझे सीतापुर का कोई लखनऊ के करीब का विद्यालय लेना होगा तो मेरे लिए बहुत कठिन काम नहीं है, मैं आराम से ले सकता हूं। प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई कितने घंटे की आपको ही पता है, मैं अगर टाइमली जाऊंगा, टाइमली आऊंगा, तभी मेरे पास इतना समय होगा कि मैं जो आज काम कर रहा हूं और मैं जितना भी चीजें हो रही हैं मैं बहुत आसानी से कर सकता हूं। और इसका सबसे बड़ा मैं उदाहरण आपको बता दूं, अरशद भैया को आप देख लीजिएगा, उनकी नियुक्ति है अमेठी में, हर तरह के केस में वो अहम भूमिका निभाते हैं और जहां भी जरूरत पड़ती है बीटीसी की सेवा के लिए आज भी खड़े रहते हैं। तो आप समझिए इस चीज को, आपके अंदर लगन होनी चाहिए। मुझे मालूम है लखनऊ में यही पास पास के लोग रहते हैं, धरने तक में नहीं आ पाते हैं, उनके अंदर जज्बा नहीं करने का है, लेकिन हमारी जो टीम है, हम हैं, हमारे जो दोस्त लड़ रहे हैं साथ में इस समय, सबके अंदर एक जज्बा है पाने का, जीतने का। आप देख रहे होंगे ऐसे ऐसे फैसले आए जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते थे। टेट का आप देख रहे होंगे रिजवान भाई के द्वारा जो फैसला आया, सरकार तो निकल बैठी थी कि नहीं कुछ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं न्याय आज भी जिंदा है, जिसका सीधा साधा उदाहरण आपको टेट में मैटर में मिला। न्याय कहीं ना कहीं जिंदा है, सरकार अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी 0 जनपद को जिताने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं न्याय जिंदा है, इस वजह से आज 51 जनपद जीता है। तो ये तमाम चीजें हैं, न्याय जिंदा है तो आप 30-33 भी जीतेंगे। तमाम टेक्निकल चीजें हैं जो मैं वीडियो के माध्यम से नहीं कर सकता, जिसको मुझसे ज्यादा जानकारी चाहिए केस के बारे में, 30-33 कैसे होगा, कैसे हो रहा है, मैं आपको बताऊंगा। जिस दिन आप आइए मेरे साथ बैठिए, मैं आपको पूरा बकायदा समझा दूंगा 30-33 कैसे होगा, और होगा ही, आप संतुष्ट होकर जाएंगे। नहीं संतुष्ट होइएगा तो मुझसे 1000 रुपए इनाम लेके जाइएगा, मैं आपको संतुष्ट करके भेजूंगा और रिजल्ट मैं दूंगा आपको कन्फर्म, ये भी समझिए आप बात को। आप लोग बिल्कुल भी इस चीज से भ्रमित ना होइए, विरोधियों की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। अभी तक जब तक ये केस स्टार्ट नहीं था उससे पहले मुझे बदनाम किया जा रहा था कि औनी जो है जिला बरिता का ये 30-33 का पैसा लेकर के जिला बरिता में लगा देगा। आप देख ही चुके होंगे जिला बरिता किस हिसाब से लड़ा गया और 30-33 के हिसाब से लड़ा गया। आज विरोधियों के पास वो शब्द नहीं बचे कि वो कुछ कह पाए, हमने उसको जीत लिया, अब इस पे नंबर आ गया है उनका। अब यहां तोड़ने के लिए तरह तरह की भ्रमित की जाने वाली पोस्टें जारी की जाएंगी, डाली जाएंगी, तो अब उसमें आप भ्रमित ना होइए। बस आप अपने अंदर एक उत्साह रखिए कि आपके पास वो टीम है जो जीतना जानती है, हारना जानती ही नहीं, ये समझिए इस बात को। हमें मेहनत करने में तनिक भी हम कसर नहीं छोड़ते हैं और ये जो लोग यहां आपको दिख रहे हैं ये सब लोग इतने मेहनती हैं कि हर हाल में आपको 30-33 कराकर ही दम लेंगे। जो मूल चीज है वो है, आपका मूल है 30-33 और होकर रहेगा। 40-45 खारिज किया जा चुका है, कोर्ट को भ्रमित करके लिया गया, एक शासना देश था वो, ठीक है कोई बात नहीं, उसको कोर्ट को भ्रमित करके ऑर्डर पारित करवा लिया, इंटरिम ऑर्डर है, सरकार आज भी उस पर काउंटर लगाना नहीं चाह रही है, आप लोग घर पे बैठे अभी भी हैं, बस आप मौके को समझ नहीं पा रहे हैं। इतना आह्वान किया गया तब भी आप लोग नहीं निकले, अब ये दुर्भाग्य है आप लोगों का कि आप लोग निकल नहीं रहे हैं। पूरी तैयारियां की जा चुकी है, बताइए यहाँ पूरा हर एक वर्क कर लिया गया, टोपी से लेकर बैनर तक बनाया गया, सब कुछ तैयार है, फिर भी आप घर से नहीं निकले, ये दुर्भाग्य रहा।
आप लोग अब एक चीज समझो, जो उत्साह आपके अंदर था वो अब उत्साह चार गुना और बढ़ जाना चाहिए। आप सोचो इस तानाशाही सरकार में जो है सीबीआई जैसी जांच एजेंसी अगर जांच करने लगे भर्ती की तो ये बहुत बड़ी बात है, ये कुछ कर रहा। और आप एक चीज ये सोचिए, आज आप देख रहे होंगे न्यूज चैनल पर माननीय प्रभात कुमार जी कह रहे हैं कि नियुक्ति पा गए एक एक व्यक्ति की नियुक्ति की रक्षा की जाएगी। मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं इनका भी बहुत बड़ा हाथ है धांधली में। अगर ये इनका हाथ ना होता तो ये बिल्कुल ना बोलते कि नियुक्ति पत्र पा चुके एक आदमी के लिए कि रक्षा करेंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। आपको कहना चाहिए कि जो लोग जो है इसमें गलत किए हैं, जिनको गलत तरीके से घुसाया गया है इस भर्ती में, उनको बाहर किया जाएगा। अगर ये अपर सचिव इस तरह की बात कर रहे हैं, ये बड़ी शर्मसार करने वाली बात उत्तर प्रदेश की। कहां एक उत्तम प्रदेश का सपना देखा जा रहा था और ये कहां नरक बन रहा है। ये तो हम लाए थे इनको, हम लोग लाए थे, हम युवा लाए थे कि युवा का विकास होगा, यहां तो विनाश हो रहा है। आप बस धैर्य रखिए, आप लोगों से गुजारिश है, आपका ये औनिश यही है यही रहेगा। आपको जब तक ये हमारी जीत जब तक नहीं हो जाती तब तक यहां से नहीं हटूंगा मैं, ये मैं प्रण किया हूं। ये नौकरी की जीत नहीं हमारी होगी, ये हमारे अहम की जीत है। और ये मेरा एक अहंकार है, मेरा अहंकार ये है कि 30-33 मेरा अहंकार है। मैं इसमें मुझसे लोग पूछते हैं, हंसते थे मेरे गांव में लोग। मैं बताऊं आपको, मैं इससे पहले गांव में जब गया था तो मैं यही कहता था कि मेरी नौकरी पक्की होगी। कहते थे कैसे, मैं बताता था इतना कट ऑफ है, इतना मेरा नंबर होगा, मैं पास हो जाऊंगा, मेरी नौकरी पक्की है। लेकिन जब हो गया 40-45 तो मेरे पास पड़ोसी कुछ लोग चयनित हुए, कहे कि ये लोग उस क्राइटेरिया को ही नहीं पा पाए, ये लोग फेल हैं। मुझे उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना है कि नहीं बेटा, क्राइटेरिया पार करो या ना करो, क्राइटेरिया एक नंबर से डिसाइड नहीं की जाती। विद्वता एक नंबर पा जाने से और एक नंबर कम पाने से नहीं घटती बढ़ती है। हम आज भी उनसे ज्यादा योग्य हैं, गुणांक हमारे उनसे काफी ज्यादा हैं। लेकिन ठीक है, ये अंधी है गोगी बहरी सरकार है कि सारी चीजें जो भी जितनी गलत चीजें हैं होती जा रही हैं। अभी माननीय योगी जी बोले थे न्याय की देरी जो है एक तरह का बहुत बड़ा अन्याय है, तो ये बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्या न्याय में देरी नहीं हो रही 30-33 की? ये इनको कब समझ में आएगा? आप लोगों से आज भी अनुरोध है कि आप लोग अपने टीम पर विश्वास बनाए रखिए, जो टीम जहां थी वहीं है। और आपको भी पता होगा 12-4-7 में सिलेक्शन एक हमारा सपना ही अभी है। जीते हम भले हैं लेकिन वो फिर डबल बेंच में चैलेंज होगा, अभी हमारी लड़ाई बहुत लंबी है। जहां तक मुझे पता है कि 12-4-7 से पहले 68-500 के पद भरे जाएंगे। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, हमसे बेहतर सोच सकते हैं, अपने भले बुरे के बारे में बेहतर सोचेंगे। कुछ चीजें आलोक भाई, तूफान भाई और आशुतोष भाई बोलेंगे, बातों को सुनिए। तूफान भाई बोलिए। नमस्कार साथियों, आपको ये जानकर खुशी होनी चाहिए कि अवनीश कुमार 12,460 की भर्ती के लिए अकेले लड़ना शुरू किए थे। इनका एक साथी था श्याम भाई, मात्र दो लोगों ने इस लड़ाई को लड़ना शुरू किया, आज जीत हासिल की। तो ऐसे ऐसे साथी आपके साथ हैं जिनको पूरा तजुर्बा है, और 68,500 शिक्षक भर्ती में कानूनी तरीके से लड़ाई लड़ने का जो अंजाम दिया है ये मिसाल है आप लोगों के लिए। गर्व करिए कि ऐसा साथी आपके साथ खड़ा है जो 68,500 शिक्षक भर्ती का हर एक पद भरवाएगा। 30-33% का कट ऑफ पर रिजल्ट घोषित होगा। 21 मई का शासनादेश बहाल होगा, ये हाईकोर्ट के आदेश पर होगा। मत घबराइए, देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होगी, ये जानिए, विश्वास करिए। अगर विश्वास नहीं करोगे तो कभी लड़ाई नहीं जीती जा सकती, और जो लड़ना जानता है वही जीतना भी जानता है। आज आप लोगों के सामने रिजल्ट है, और ये ऐसा साथी है जो आपके साथ हमेशा खड़ा है, खड़ा रहेगा जब तक 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33% के कट ऑफ पर रिजल्ट नहीं आ जाता। बाकी कोर्ट की और आगे की जानकारी हमारे आलोक भाई बताएंगे। कोर्ट के जो आज की सोनिका देवी वाला ऑर्डर आया है, वो पहले हमारे वीडियो द्वारा बता दिया गया कि सीबीआई इंक्वायरी हो सकती थी। आज सभी लोगों ने आप उसका ऑर्डर देख लिया होगा, सीबीआई इंक्वायरी के लिए बोल दिया गया है। अब उसके बाद सरकार जो है क्या करती है, अपर मुख्य सचिव का बयान आ रहा टीवी पे दिखाया जा रहा, वो अलग की बात है, हम लोगों से ज्यादा उसका लेना देना नहीं है। हम लोगों का फोकस आज ही 12 नवम्बर की तारीख जो भी लगी हुई है उस पर है। हमारा पूरा पैनल, पूरी तैयारी है हम लोगों की, जो भी विरोधी तैयारी करके आ रहा है उनका भी वेलकम हमारी तरफ से। पूरे सीनियर का पैनल, जूनियर का पैनल बहुत जल्द कल के बाद बता दिया जाएगा, और जो पूरी क्या कहते हैं कि जो भी आगे की रणनीति वास्तव में बताएंगे। नमस्कार साथियों,
जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो भी आज की दैनिक गतिविधि रही वो बिल्कुल यथावत है। और अवनीश भाई के द्वारा जो बताया गया कि संघर्ष हम बीच में नहीं छोड़ेंगे, हम ऐसे मल्लाह नहीं है कि बीच में अपनी नाव को बीच मझधार में छोड़ दें। यदि हमने अपने हाथ में नाव की पतवार ली है तो इसको साहिल तक ले जाने का अंजाम हम देने का काम करेंगे। और 68,500 शिक्षक भर्ती या 30-33% कटाव पर नहीं होगी तो मैं साथियों आपसे कहना चाहता हूं कि ये 68,500 भर्ती भी नहीं होगी। यदि 68,500 भर्ती होगी तो फिर से कटाव लगेगा, फिर से परीक्षा होगी, फिर से सभी लोग। और एक बात के लिए और आश्वस्त कर दूं कि 1,07,000 अभ्यर्थी जितने इस 68,500 में आवेदन किए हैं वही अभ्यर्थी अगली प्रक्रिया में भी शामिल होंगे, उससे इतर एक भी अभ्यर्थी नहीं बढ़ेगा। और ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आज के संघर्ष को, इतने जो संघर्ष चला विधि के बारे में, जो माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला दिया वो कहीं ना कहीं हमारे लिए सार्थक ही है। मैं कुछ ज्यादा कुछ ना कहते हुए बस इतना कहना चाहूंगा कि बिन मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, और बुजदिलों के दिन कभी आज नहीं होते, और अंधेरे में भी ढूंढ लेते हैं जगह जुगनू, क्योंकि जुगनू कभी भी रोशनी के मोहताज नहीं होते, जुगनू कभी भी रोशनी के मोहताज नहीं होते। इन बातों को समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। कल के जो अब हम उम्मीद करते हैं कि प्रभात कुमार के साथी में सब लोग पहुंचेंगे, मैं वहां पहुंचूंगा, सबका वेलकम वहां पर है। और जो पिछली बार हम लोग बारात में जो पहुंचे थे जहां पर, वही सबको पहुंचना है, सेम टाइम है, सेम जगह है, सारी चीजें अब वही हम आपसे मिलेंगे और वही सारी चीजें डिसाइड की जाएंगी। शादी में वहीं जाया जाएगा, भोज आपका वहीं होगा, तो और आपको तोहफे भी वहीं मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।